पक्ष की तरफ से मेरे वकील थे, विपक्ष की तरफ से ईडी थे और सामने जो है फाइल की जज की, उसी के पहले सवाल जवाब हुए। जिसका जितना विवेक था उसने अपनी दलील दी, उत्तर मिला, कुल मिलाकर के फैसला अभी अवेटेड है। जज साहब उसको चले गए, मैंने सोचा मैं भी बाहर चलूं, अभी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि रिमांड एक हफ्ते की होगी, ये मेरा अनुमान। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के पर उनके पिता दिनेश सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने वही किया जो उनके आकाओं ने उनसे कहा था। उन्हें मेरे आवास पर कुछ नहीं मिला। जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो खोज में समय लगता है, उन्हें कुछ भी नहीं मिला इसलिए इसमें समय लगा। हालांकि संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह का मानना कि एक हफ्ते में संजय सिंह बाहर आ जाएंगे। अगर इशारे में बताऊं समय कम लगे और आपने सब्जेक्ट को कहा गया, पक्ष की तरफ से मेरे वकील थे, विपक्ष की तरफ से ईडी थे और सामने जो है फाइल की जज की, उसी के पहले सवाल जवाब हुए। जिसका जितना विवेक था उसने अपनी दलील दी, उत्तर मिला, कुल मिलाकर के फैसला अभी अवेटेड है। जज साहब उसको चले गए, मैंने सोचा मैं भी बाहर चलूं, अभी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि रिमांड एक हफ्ते की होगी, ये मेरा अनुमान। आपको क्या आप क्या कहना चाहेंगे आज जो ईडी ने एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं? हम न्यायालय का सम्मान करना चाहेंगे। न्यायालय 15 दिन एक हफ्ता दे, मैं कौन आपत्ति कर सकता हूँ? जो कहेगी न्यायालय वही हमको मानना है। एलिगेशन हो। दिनेश सिंह ने आगे कहा, सत्ता में बैठे लोग निराशा में हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार का एहसास है। मुझे पूरा विश्वास है कि संजय सिंह बिना किसी दाग के रिहा हो जाएंगे। इससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी के समय भी उनके पिता दिनेश सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था, मैंने संजय से कहा कि बहादुर बनो, आपके समर्थक वहां हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार लड़ेंगे, सत्य की हमेशा जीत होती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।